यो 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 एनिमल लवर्स, अच्छा ऐसा कितनी बार हुआ है तुम्हारे साथ कि जब तुम किसी और से सुन के कोई शो या फिर एनिमे चालू करते हो वो तुम्हें इतनी पसंद नहीं आती? मेरे साथ तो ये बहुत हो चुका है, जैसे कि जुजुत्सु काइसन, अच्छा एनिमे है बट इतना ज़्यादा हाइप कर दिए थे लोग जेजेके का कि मैं हद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग गया था और मेरे को इसलिए जेजेके ठीक ठाक लगा। लेकिन आज जो एनिमे के बारे में मैं बात करने वाला है ना, इसको भी मैंने जुजुत्सु काइसन जैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ चालू किया देखना, एंड उस ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को भी सरपास किया। ये एनिमे को मैं पिछले 3-4 हफ्तों से देखना चाह रहा था। बियोटाकू ने अपने टॉप 10 बेस्ट 2021 के एनिमे लिस्ट में इसको नंबर 1 पे रखा था, तो मैं तो हद से ज़्यादा एक्साइटेड था इसको देखने के लिए। और दिस एनिमे सरप्राइज मी वे टू मच। मैं बात कर रहा है ओसामा रैंकिंग या फिर रैंकिंग ऑफ किंग्स की, जो कि एक न्यू एनिमे है जो 2021 के अक्टूबर से एयर हो रहा है और ये अभी भी ऑन गोइंग है। मैंने इतने ज़्यादा जीरो टू हीरो वाले एनिमेज देख लिए हैं ना कि अब मेरे को ऐसे टाइप के एनिमेज में इंटरेस्ट ही नहीं है, एक्सेप्ट कुछ एनिमेज जैसे कि शील हीरो जो कि वन ऑफ द बेस्ट इसेकाई है इन माई ओपिनियन। और जितने भी जीरो टू हीरो वाले एनिमेज एक्चुअली में अच्छे होते हैं ना, उनमें एक चीज़ कॉमन होता है, दैट इज अपना जीरो एके फ्यूचर हीरो पहले गूसा होता है, फिर वो डेडिकेशन और प्रैक्टिस मोटिवेशन हर टाइप के शिट से एकदम जबरदस्त हो जाता है, फिर अपने आसपास गैल्स अट्रैक्ट करता है और मस्त सबका आइडल बन जाता है। एग्जांपल देना ऐसे टाइप के एनिमेस का तो अभी एग्जांपल इज नारुतो रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम शील्ड हीरो, इवन रेड वॉल्फ हीलर, ये सब में ये पैटर्न बहुत कॉमन है। एंड ये सेम पैटर्न ओसामा रैंकिंग में भी है, एक्सेप्ट दैट गर्ल्स वाला शिट बट इन अ डिफरेंट वे, इन अ वेरी 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 डिफरेंट वे। और इसका जीरो टू हीरो तुमको यूनिक वे में सेटिस्फाइंग लगेगा। दिस एनिमे इज ऑल अराउंड द मेन कैरेक्टर बोजी, जो कि एल्डेस्ट सन एक जायंट किंग का, बट अनलाइक हिज फादर बोजी एकदम छोटा सा है। बोजी ना ही कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है, प्लस बोजी फिजिकली इतना ज़्यादा वीक है कि वो एक स्वॉर्ड को उठा तक नहीं सकता। स्वॉर्ड क्या, वो किसी को स्लैप तक नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा वीक मसल्स है उसका। प्लस गूंगा बहरा है तो लोनर है अपना बोजी। इतना प्रॉब्लम्स के बाद भी बोजी इज़ दी एल्डेस्ट सन ऑफ किंग, और मोनार्की के हिसाब से ऑब्वियसली वही नेक्स्ट किंग होगा, राइट? राजा का बेटा राजा बनता है, बट अगर राजा के दो बेटे हैं तो राजा का बड़ा बेटा राजा बनता है। लेकिन हाउ कैन बोजी बी अ किंग? एक किंग को तो एक वॉरियर जैसा स्ट्रांग होना चाहिए ना, और बोजी वीक के साथ साथ गूंगा बहरा भी है, प्लस जब उसी का छोटा भाई उससे हद से ज़्यादा स्ट्रांग है तो बोजी का किंग बनना क्या लगता है? वेल, इसी चीज़ के अराउंड ये पूरा एनिमे है कि बोजी किंग बनना तो चाहता है बट वीक है तो बन नहीं सकता है। दिस वॉज अ लिटिल बेसिक थिंग जो कि तुमको फर्स्ट एपिसोड में एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। इतना दिमाग में लेके अगर एनिमे देखोगे तो कुछ तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्पॉइल नहीं हुए हो तुम, ठीक है? वैसे मैं तुम सबसे एक चीज़ पूछना चाहता है, कितने बार ऐसा हुआ है कि तुम एनिमे को देख के रोए हो? मैंने तो आज तक किसी भी एनिमे को देख के रोया नहीं है, सैड हुआ हूँ बट रोया नहीं हूँ। और इस एनिमे को देखते टाइम भी मैं रोया नहीं, बस सैड हुआ। लेकिन पहली बार मुझे सिर्फ 2 एपिसोड्स में किसी एनिमे ने सैड फील कराया है। इफ़ यू आर अ सॉफ्ट हार्टेड गाय और गैल तो मोस्ट लाइकली तुम इसके पहले 2 एपिसोड्स में ही रो दोगे, जिसके पीछे का मेन रीज़न है कमाल का वॉइस ऑफ द कैरेक्टर्स। वॉइस एक्टर्स ने हद लेवल काम किया है, मतलब सैल्यूट भाई, चुम्मा सैल्यूट सब। और जब मैं इसके वॉइस एक्टर्स के बारे में थोड़ा गूगल में देख रहा था तब मेरे को पता चला कि जिन्होंने बोजी का आवाज़ दिया है वो एक न्यू वॉइस एक्टर है, और कागे का आवाज़ दिया है हिनाटा के वॉइस एक्टर ने, नारुतोकुन नारुतोकुन वाले हिनाटा नहीं, वो तो भाई छोड़ी दो उसको, हाईक्यू वाली हिनाटा, हाईक्यू वाला हिनाटा, फॉक भाई। और हो सकता है कि तुमको बोजी के छोटे भाई के आवाज़ को सुन के लगे कि इसको तो कहीं सुना है, तो बस उस आवाज़ को ताताकाई बोलते इमेजिन कर लेना, तुमको पता चल जाएगा कि ये कहाँ तुमने सुन रखा है। लेकिन वॉइस एक्टर्स के साथ एक और जो चीज़ है जिसकी वजह से ये एनिमे बहुत इम्पैक्टफुल एनिमे बन जाता है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ OSTs, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड ट्रैक, etc. क्योंकि इनका यूज़ माहौल के हिसाब से हुआ है। जैसे कि मान लो कोई हैप्पी मोमेंट दिख रहा है एनिमे में तो एकदम परफेक्ट जॉयफुल OST यूज़ हुआ है उसी टाइम, और किसी सैड या फिर बिट्रेयल मोमेंट जहाँ पे बहुत एनिमेस और शोज एकदम ड्रामेटिक म्यूजिक डाल देते हैं, एकदम भाई हद से ज़्यादा डाल देते हैं, पता है एकदम ऐसा टाइप का म्यूजिक डाल देते हैं, वहीं पर ओसामा रैंकिंग ऐसे ही एक टाइप के सीन में एकदम म्यूट, कुछ आवाज़ नहीं, ऐसा कर दिया था जो कि ड्रामेटिक म्यूजिक से ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था मेरे लिए तो, एटलीस्ट मतलब मुझे वो चीज़ देख के भाई मैं बोला यार वाओ दिस लुक्स, मतलब क्या लगा भाई ये मोमेंट, ऐसा फील हो गया था। ऑल्सो ये एनिमे मैंने एक चीज़ और नोटिस किया जो कि थोड़ा मुश्किल एक्सप्लेन करना, बट लेट मी ट्राई। अगर तुमने अच्छा खासा एनिमे देख रखा है
तो तुमने कभी ना कभी किसी कैरेक्टर को पहले बका होगा, फिर उसके लिए अच्छा भी फील किया होगा। एग्जाम्पल के लिए आई शुड से इटाची काटाकुरी, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, इसको होने के लिए टाइम लगता है। मतलब तुमको उस कैरेक्टर से नफरत करने के लिए टाइम चाहिए और उसके बाद उसको पसंद करने के लिए भी टाइम चाहिए। और ये वाली चीज़ ना, ये ओसामा रैंकिंग में बहुत बार फील होगा तुम्हें, और ये ओसामा रैंकिंग जैसे सीजनल एनिमे के लिए बहुत बड़ी बात है। आई मीन एक कैरेक्टर है जिसको मैं एकदम खुंडस से गाली बक रहा था, मतलब भाई, बट आफ्टर जस्ट वन और टू एपिसोड्स आई वाज लाइक शी इज सो काइंड यार। और कुछ कैरेक्टर्स के लिए तुम पहले अच्छा फील करोगे, फिर बोलोगे कि ये लैंडी आदमी है, फिर बोलोगे कि ये अच्छा है बट लैंडी हरकत की वजह से मैं इसको पसंद नहीं करेगा। और अबाउट दी मेन कैरेक्टर बोजी, ये तुम सबको बहुत पसंद आएगा। ही इज़ वीक बट इन सम वे ही इज़ डिफरेंट। बच्चा दिमाग है इसका बट मैच्योर भी है ये। अगर बात करूँ मैं इस एनिमे के एनिमेशन की, तो एनिमेशन बहुत अच्छा है इसका। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के एनिमेशन जैसे इतना ब्राइट नहीं है इसका एनिमेशन की आँखों में चुभे, ना ही इसेकाइज़ और बाकी फैंटेसीज एनिमे जैसा रियलिस्टिक टाइप का एनिमेशन है। कार्टून टाइप का है थोड़ा, बट बहुत सेटिस्फाइंग एनिमेशन है, देख के अच्छा लगता है। एंड आई विल रिकमेंड कि तुम इसको 720p या फिर 1080p में ही देखना, क्योंकि मैं चाहता है कि तुम इस एनिमे को इसके बेस्ट पे एक्सपीरियंस करो, ठीक है। एंड 720p 1080p में भाई तुमको मज़ा ही आ जाएगा, 360p में से तो बेटर ही आएगा, ठीक है। मतलब हाँ, कैरेक्टर्स का डिज़ाइन कूल, वन पीस फैन हो तो तुमको इसके कैरेक्टर डिज़ाइंस बिल्कुल वियर्ड नहीं लगेंगे। कहाँ पे अवेलेबल है ये एनिमे? तो ये अवेलेबल है क्रंची रोल में, इंडियन सर्वर में भी, वो भी एकदम फ्री में। और अभी तक इसके 14 एपिसोड्स आ चुके हैं और टोटल इसके 23 एपिसोड्स आएंगे। तो तुम या तो अभी पूरा 14 एपिसोड्स देख सकते हो, या फिर 2.5-3 महीने बाद जब पूरा एनिमे एयर हो जाएगा तब बिंज कर सकते हो एक साथ पूरा, ठीक है। और अगर पूरा आने का वेट करने वाले हो तुम, तो याद से इसको देख लेना, दिस इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। और रही बात बुराई की, मतलब इस एनिमे में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स लगा कि नहीं, तो आंसर है नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा। पेसिंग भी मस्त है इसका, और प्लॉट आर्मर वाली चीज़ भी नहीं है इसमें, मतलब बहुत ऐसा बोलोगे नहीं यार नहीं है, मतलब हर चीज़ का एक लॉजिक है, पता है। मतलब जैसे कि बोजी के लिप्स रीड करने के एबिलिटी से लेके उसका इतना वीक बॉडी, हर चीज़ का एक रीज़न मिलेगा तुमको। तो यस, डू वॉच इट नाउ और लेटर, एंड दैट्स इट। बाय द वे गाइस, अगर तुम कॉमिक्स और मानवास रीड करने में इंटरेस्टेड हो तो यू शुड चेक आउट बिलीबिल कॉमिक्स, जहाँ पे फ्री में एकदम सारे मानवास अवेलेबल है। इस वेबसाइट में ऐड भी नहीं है और इसका ऐप भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा बिलीबिली कॉमिक्स का, तो चेकआउट कर सकते हो। और अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।